मौसम। अबे मेरी बात सुन, ऐसे जिद नहीं करते बेटा, प्लीज चल मेरे साथ चल। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो चलो ना। मैं यही रहूंगा मां, मुझे नहीं जाना। अबे मेरी बात सुन, चल घर। नहीं मां मैं वहां नहीं जाऊंगा। या फिर तो मुझे ये कमरा भी अच्छा लगता है, मैं यही रहूंगा मम्मी। अभय क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों हो? मैंने कुसुम को बहुत दुख दिया है मां, बहुत तकलीफें थी। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही, आज भी उसे आंखें मिला के बात भी नहीं कर सकता। माफी मांगने के लायक भी नहीं बेटा, प्लीज। कसम मेरी पहचान है, आज ऐसा सा कि अपनी पहचान को कैसा लगा? कुछ सुख के बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। कल तक कुसुम तुम्हारी पहचान थी और आज तुम उसे ही पहचान नहीं पा रहे हो। क्यों रही? क्योंकि तू मेरे साथ घर नहीं चलता। ठीक है मम, मैं आपके साथ घर चलूंगा, लेकिन आप मुझे नई टॉयज दिलवाएंगी ना? मुझे ऐसा रूम भी चाहिए। और मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगी। तो मैं हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगी, बस अब चले। अब है नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। ये गंदी आंटी है, मेरे टॉयज लेती है। ठीक है बेटा, तू घर चल, मैं उसे तेरे पास नहीं आने दूंगी। भगवान का लाख शुक्र है कि हमारा अभय सही सलामत घर वापस आ गया। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे जा सकते हो? सुबह से तो हमारे साथ दौड़ भाग कर रहे हो, एटलीस्ट कॉफी तो पी के जाओ। ओके। मम्मी आपने तो कहा था कि आप मुझे नए खिलौने देंगी और अच्छा सा रूम भी देंगी, चलो ना मम्मी। हाँ बेटा हमने कहा था, पर देखो कितनी रात हो गई है, कल सुबह मैं खिलौना भी लाऊंगी और आपका रूम भी नया करके दूंगी। नहीं मम्मी मुझे अभी चाहिए, चलो ना मम्मी, चलो प्लीज। अभय अगर तुम अभी जाकर सोओगे ना तो सुबह मैं तुम्हारे लिए खुद। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करता, तुम गंदी हो। अभय ये क्या है, समझ में नहीं आता, कहा ना कि कल सुबह दूंगी मैं, अभी जाओ जाके सो जाओ। अभय मैं आप सबसे बात नहीं करूंगा, आप सब झूठे,
आप सब मुझे डांटते, मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं आंटी के पास जाऊंगा। अबे तुम जानती हो कि वो बच्चा है, फिर भी तुम उसके साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? आप देखते नहीं कैसे बिहेव करता है वो, कितनी जिद करता है वो। लेकिन तुम प्यार से भी समझा सकते थी उसे। किसको समझाओ? और जो समझता है उसको समझाओ ना। और कब तक झूठ बोलूंगी? नहीं होता मेरे से ये सब, अब नहीं होता। सोच रहा था कुसुम कि अगर मैं अभय को अपने घर ले जाऊं तो, क्योंकि खामखा वो यहां पर जिद करेगा और सबको परेशान करेगा। तुम पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हो अभिनव, कि शायद तुम्हारा एहसान चुका पाना कभी मुमकिन ही नहीं होगा। इतनी भी मदद मत करो मेरी कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। मैं किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लूंगी। थैंक्स। ठीक है। आए। अच्छा? अभय कैसा है? ठीक है, लेकिन बहुत जिद्दी हो गया है, हर बात पर जिद करते हैं, और मेरी तो वो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। वैसे तो उन्हें इस हाल में छोड़कर जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर सोचती तो लगता है कि नौकरी पर नहीं गई तो शायद प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे। बेटा चिंता मत कर, गणपति बापा सब ठीक करेंगे। अब तो सिर्फ पापा का ही सहारा है। चल। अरे कुशल, आज तुम पैदल जा रही हो, तुम्हें कोई गाड़ी लेने नहीं आई क्या? मतलब? मैंने ऐसे ही पूछ लिया, रोज गाड़ी छोड़ने आती थी ना, आज लेने नहीं आई। अरे ज्योति, तुम्हें अचार के मसाले की विधि चाहिए थी ना, चल अंदर चल मैं देती हूँ। नहीं नहीं मुझे काम है। मैं तेरा सब काम कर लूंगी, तू जा तू जा। कुसुम बेटा तुझे देर हो रही है, तू जा। ज्योति चल मेरे साथ अंदर चल। मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरा टेडी बेयर कहाँ है? टेडी बेयर? पहले उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करो, बाद में मैं आपको टेडी बेयर दूंगी, ठीक है? नहीं, पहले मेरा टेडी बेयर दो। क्यों जिद कर रहा है बेटा? गौरव बेटा आओ। हाय अभय। आंटी आज मेरा बर्थडे है, आप अभय को मेरे बर्थडे पार्टी पे भेजेंगे ना? ऑफ कोर्स भेजूंगी। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी। बाय अभय। मम्मी मुझे भी मेरा बर्थडे मनाना है। मम्मी बोलो ना। अबे बेटे बेटे तुम पहले गौरव के बर्थडे में जाकर आओ, उसके बाद हम सब तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। हाँ नहीं, मुझे भी बर्थडे आज ही मनाना। अबे बेटा अभी लास्ट वीक तो तुम्हारा बर्थडे। भाभी, भाई साहब, जब अभय इतनी जिद कर ही रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई साहब,
हमें अभय का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। आप जानते हैं वो नहीं समझेगा। पता नहीं क्या हो गया सबको इस घर में, बच्चों के साथ सब बच्चे बन चुके हैं। ठीक है अभय बेटा, हम आपका बर्थडे आज शाम को ही मनाएंगे। खुश? थैंक यू मम्मी, मैं अपने दोस्तों को बोल के आता हूं। हेलो। हाँ जी एक मिनट, कुसुम जी आपका फोन। जी एक मिनट। हेलो। हेलो बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ मम्मी बोलिए। बेटा अभय जिद करके बैठा है, उसे अपनी बर्थडे बना दी है और वो चाहता है कि कुमुद भी आए। लेकिन मम्मी। कुसुम बेटा चिंता मत करो, हमने सारी तैयारियां कर दी है। तू एक काम कर, शाम को जल्दी से आ जाना, और हाँ कुमुद और अभिनव को भी फोन करके बुला लेना। ठीक है। लेकिन कुमुद तो यहाँ। खैर अभिनव से बात कर लूंगी। चाचू यहाँ लगाओ ना। ओके यहाँ पर। ओके और माँ भी। अच्छा ठीक है। हद हो चुकी है, अभय की जिद बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में उसकी ऐसी फरमाइशें पूरी कैसे की जाएं? अब आप ये बात भाभी और भाई साहब के सामने मत कहिएगा। पापा, क्या मुझे नहीं बच्चों को दोगे? नहीं आपको पहनना पड़ेगा। मैं पहनूं? ठीक है। मैं ये आपके लिए। और मुझे? अबे बेटा उसे भी कैप दो। नहीं मम्मी मैं ऐसे नहीं दूंगा, ये गंदा है, मेरे साथ झगड़ता है। बेटा ऐसा नहीं करते, दो उसे कैप। गुड बॉय। अरे अभिनव आओ, देखो बेटा कौन आया है। हैप्पी बर्थडे भाई, और ये रहा आपका गिफ्ट। थैंक यू अंकल। वेलकम। हैप्पी बर्थडे अभय, तुम्हारे लिए गिफ्ट। मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम गंदी आंटी हो। आई थी मैं यहाँ। माफ करिएगा पर मैं जानती हूँ मेरे अभय ने जानबूझकर नहीं किया ये सब। अच्छा इतना बड़ा मुस्टंडा है, संभाल कर नहीं रख सकती तो बच्चों के साथ क्यों खेलने देती हूँ? सॉरी अरुंधति दवाई तो लाना, बेटा ठीक हो जाएगा। और मैं कह देती हूँ आज के बाद आपका बेटा मेरे बेटे के साथ अगर दिखेगा तो देख लीजिए। तो अभय ये क्या, क्यों मारा उसे? पहले उसने मुझे मारा। कोई बात नहीं, चलो बच्चों अब हम सब केक काटेंगे। हमारा भाई केक काटेगा।
मैं ये केक नहीं काटूं। मुझे तो चॉकलेट वाला ट्रेन वाला केक चाहिए। अब है ये क्या जिद है? चलो बेटा केक काटो। नहीं, मैं ये केक नहीं काटूंगा। तू समझता क्यों नहीं? चलो केक काटो। मैंने कहा ना, मैं नहीं काटूंगा। अबे आंटी आ गई। मम्मी, अच्छी आंटी आ गई। सबसे पहले तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक। थैंक यू आंटी। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। मम्मी, मेरे लिए सब। आंटी, ये सब मेरे लिए है। क्या हुआ कुसुम, मुझे इनवाइट करना भूल गई तुम? लेकिन देखो ना, मैं खुद चली आई। आफ्टर ऑल भाई, अभय का जन्मदिन है, मुझे तो आना ही था। कुसुम, अब क्या करोगी तुम? कैसे संभालोगी अभय को? भाई एक बर्थडे पार्टी तो तुमसे मनाई नहीं गई, और एक केक भी नहीं मंगा सकती थी अभय के लिए। शेम ऑन यू कुसुम। अगर तुम्हें ये लगता है कि अपनी इस घटिया हरकत से तुमने किसी भी तरह की फतह हासिल की है ना माही, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर मैं चाहूँ तो इस वक्त तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, और कोई भी कानूनी ताकत मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम में अभी इतनी शराफत है कि घर आए मेहमान का तिरस्कार नहीं करते हैं। लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो केक खाओ, एंजॉय करो, और अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। समझी तुम? ओके, एज यू से मैम। अपनी इज्जत बिल्कुल प्यारी नहीं है। जब सारे मेहमान चले गए तो शराफत से तुम भी क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? मैं अभय को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब मान भी जाओ कुसुम कि तुम अभय की देखभाल नहीं कर सकती। बच्चा बन चुका है, हर चीज के लिए जिद करता है, कैसे करोगे उसकी जिद पूरी? और वैसे भी अभय अब मेरे साथ रहना चाहता है। क्यों अभय, चलोगे ना मेरे साथ? हाँ आंटी, मैं चलूंगा। जरा अपने खिलौने ले आऊं? छोड़ो भी, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे और भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ, बस तुम चलो। गुड बॉय। गुड
रुक जाओ। अभय कहीं नहीं जाएगा माही। मैं जाऊंगा।